आज की स्पेशल रेसिपी बच्चों के लिए है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं उनके टिफ़िन के लिए आज मैं स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हमने बनानी है लौकी से। लौकी का नाम सुनते ही बच्चे हों बड़े हों सब घबरा जाते हैं और किसी को भी पसंद नहीं होती लौकी, लेकिन आज के बाद सभी लौकी को खाना पसंद करेंगे और कोई मना भी नहीं करेगा। बच्चे भी आराम से इसे टिफ़िन में ले जाएंगे, क्योंकि आज हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो आज की। वेलकम टू गुरप्रीत कौर किचन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हेल्दी सी रेसिपी। यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, इसमें आटा नहीं लेना है, हमें बेसन लेना है। बहुत ही हेल्दी होता है बेसन, जिसको चने का आटा भी कहते हैं। साथ में हमें लेनी है लौकी, जिसको घिया भी कहते हैं। तो यहाँ से 200 से 300 ग्राम मैंने यहाँ पे घिया लिया है, उसको छील लिया है, अच्छे से उसे ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमें ग्रेट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो बेसन लिया है उसमें हमने डाल देना है ये घिया, लौकी, जो भी आप इसे कहते हो। इस तरीके से यहाँ पे आप गोल वाला घिया भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च डाली है काट के बारीक बारीक, थोड़ा सा पुदीना डाला है, आप धनिया भी ले सकते हैं। और इसके साथ मसाले डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी है 1/4 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च ली है, और आधा चम्मच नमक, सादा नमक जो होता है, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और इसके साथ ही थोड़ी सी हम यहाँ पे हींग डालेंगे, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और 1 चम्मच यहाँ पे ऑयल डाल लें पहले ही। इन सब मसालों को अच्छे से बेसन में हमें मिक्स कर लेना है। हमने घीये को जो हमने कद्दूकस किया है उसमें से पानी नहीं निकालना है, क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी पानी डालने की। तो हमने सारा ग्रेट किया हुआ ऐसे ही डाल लिया है घीया, थोड़ा सा जितना पानी की ज़रूरत होगी हमें उतना इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला है, एकदम पानी ना डालें, क्योंकि देखना है अभी कितना गाढ़ा हो रहा है ये बेसन। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे थिक लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर लें इसे। बेसन होता है थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके हम मिक्स कर लेंगे। जैसे बेसन के पूड़े होते हैं, ये हम लौकी वाले पूड़े बनाएंगे बेसन के। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूड़े वाला जो मिक्सचर है, इसलिए हम तैयार कर लेंगे इसको इस तरीके से। तो यहाँ हमारा पतला सा बैटर बन के, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, तो इस तरीके से हमें बना के तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है तवा, मैंने गैस पे रखा हुआ है तवा। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक यूज़ किया है, आप लोहे का भी ले सकते हैं। उसको पहले अच्छे से ग्रीस कर लें, और इस तरीके से 2 चम्मच यहाँ पे हमें बैटर डाल के, पूड़े वाला जो घीये वाला है, लौकी वाला बैटर, इस तरीके से हमें फैला देना है। करछी से इसे गोल गोल फैला दें, और थोड़ा सा इसे साइडों से ग्रीस कर दें, ताकि इसे उतारने में हमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहली बार जो बनता है उसको थोड़ा सा हमें ऑयल लगा के इसको देखना पड़ता है इस तरीके से। तो इसे देखिए, स्पैचुला से मैंने इसको पलट दिया है, एक तरफ से हमारा बन चुका है, पक चुका है ये। इसको अब देखिए, इस तरीके से मैं हाथों से भी इसे घुमा सकती हूँ, ये इतना सॉफ्ट हो जाता है, और इसको ये जो किचन टावल होता है उससे भी आप रोटी की तरह इसे सेक सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी होती है मम्मी को, जो मम्मियाँ रोज़ बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हैं, कभी आलू पूरी, कभी मैगी, और कभी कुछ। लेकिन इस तरीके से आप लौकी को ग्रेट करके हम बना के दोगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, खाने में बहुत बढ़िया है और बहुत ही हेल्दी है। बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है, बड़े भी खा सकते हैं। तो आपके टिफ़िन की अब टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस तरीके से हफ्ते में 2 या 3 बार इसे बच्चों को ज़रूर बना के दें, टिफ़िन में भी दें, बड़ों को भी नाश्ते में बना के दें। ये हेल्दी सा नाश्ता आप ज़रूर बना के दें इस तरीके से। और सभी कह देते हैं लौकी कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये तो बीमार लोग खाते हैं, लेकिन इसका कुछ तरीका अलग हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए, तो किसी को पता भी नहीं चलता, और टेस्टी और हेल्दी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। लौकी से कोफ्ते भी बनते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो लेकिन आज हमने बनाए हैं लौकी के पूड़े बेसन वाले, तो इस तरीके से बना के ज़रूर तैयार करें। मज़ेदार सा, अमेजिंग सा नाश्ता बनके तैयार है।
वो भी लौकी से, है ना डिफरेंट कुछ। तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है नाश्ता, आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे पता लग रहा है कितना सॉफ्ट बन के, देखिए कितना अच्छा फोल्ड हो गया है। ये बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बन के तैयार हुआ है। 1.5 कप बेसन से 10 से 12 यहाँ पे हमारे पूड़े बन के तैयार हो गए हैं। इसको हम दही के साथ भी खा सकते हैं, और इसको हरी चटनी हो या सॉस हो, कैसे भी आप खा सकते हैं। ये बिना कुछ साथ में लिए इसको आप ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। मेरी वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।